नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टुडे और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर सीधे फटाफट खबरों की ओर। जम्मू कश्मीर में शहादत का बदला लेने के लिए सेना ने ऑपरेशन किया तेज, दो आतंकियों को घेरा। अनंतनाग में एनकाउंटर के बाद पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, किया विरोध प्रदर्शन। श्रीलंका ने 17 भारतीय मछुआरों को किया गिरफ्तार, स्टालिन ने जयशंकर को लिखा पत्र। दुनिया देखेगी भारत का जलवा, एप्पल ने इसरो के जीपीएस को बनाया है आईफोन 15 का हिस्सा। 14 एंकरों के शो में नहीं जाएंगे इंडिया के दल, विपक्ष के फैसले पर बीजेपी लाल, पत्रकार भी पूछ रहे सवाल। नेक्स्ट, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, रेलिंग तोड़ खाई में गिरी यूपी रोडवेज की बस, 21 यात्री घायल। नेक्स्ट, मुंबई एयरपोर्ट पर प्राइवेट जेट क्रैश, प्लेन में 8 लोग थे सवार। पीओके भारत का अभिन्न अंग, यूएई के डिप्टी पीएम ने नक्शा दिखाकर दिया ऐलान, क्या करेगा पाकिस्तान। एमपी में इंडिया गठबंधन पर बरसे पीएम मोदी, कहा सनातन को तहस नहस करना चाहता है घमंडिया गठबंधन। पीएम मोदी ने बीना में 50,800 करोड़ की परियोजनाओं की दी सौगात, इंडिया गठबंधन को बताया घमंडिया गठबंधन। पीएम मोदी ने ट्वीट किया परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन, हिंदी दिवस पर इजरायली एमएनसी ने हिंदी फिल्मों के डायलॉग पर शेयर किए तो पीएम ने तारीफ की। नेक्स्ट, इसरो ने चौथी बार आदित्य L1 की ऑर्बिट बढ़ाई, थ्रस्टर फायर किए गए, अब इसकी पृथ्वी से ज्यादा दूरी 1.21 लाख किलोमीटर होगी। नेक्स्ट, बिना तैयारी के सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जूनियर वकील, सीजीआई ने कहा हमें हल्के में ना ले, वकील ऑन रिकॉर्ड पर 2000 का जुर्माना लगाया। रियल टाइम में मिलेगा सुप्रीम कोर्ट का डेटा, सीजीआई ने की घोषणा, एनजीएडीजी पोर्टल से जल्द जोड़ा जाएगा सुप्रीम कोर्ट, पीएम ने की तारीफ। ये हसीनाएं नहीं लुटेरे हैं, महिला का वेश रख बाबा रामदेव मेले में घुसे शातिर, पुलिस ने पकड़ा। फिलहाल इतना ही, खबरें भी और भी हैं, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नवभारत टुडे।